two souls colliding. We shared the pieces of ourselves, it's perfect time. तो हेलो फ्रेंड्स, इस वाली वीडियो में आप सभी को नेक्स्ट संडे कमेंट बॉक्स यहाँ पे बताने वाला हूँ कि यहाँ पे आपको कौन कौन से सवाल पूछे गए थे लास्ट में, और उन सवालों का आप सभी को यहाँ पे जवाब देने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहना, और अगर आप इस वाले चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अभी से कर लीजिए, क्योंकि आपको इन्हीं तरीके की वीडियोस सबसे पहले मेरे चैनल पे ही देखने के लिए मिलती रहेगी, चाहे वो MIUI 14 के अपडेट्स के रिगार्डिंग हो या फिर चाहे वो MIUI 13 के अपडेट्स के रिगार्डिंग ही यहाँ पर क्यों ना हो। और यहाँ पे आप MIUI 14 की गैलरी विजिट्स को भी इजीली अनेबल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर रखी है, और मैंने यहाँ पे MIUI 14 के कुछ स्क्रीनशॉट्स को भी अनेबल कर रखा है। तो फिर आप भी इसी तरीके का सेटअप अपनी होम स्क्रीन में अनेबल कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं संडे कमेंट बॉक्स की। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल पूछा गया है, Redmi 9 Prime में कब आएगा हमारे डिवाइस में। तो यहाँ पे Redmi 9 Prime में एक न्यू अपडेट रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है, MIUI 13.0.3.0 का इंडिया स्टेबल अपडेट Android 12 पर बेस्ट। तो मैं आपको एक बार इसके अपडेट के साइजेस भी यहाँ पे बता देता हूँ, हालांकि मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस वाली वीडियो में दे रखी है, आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे Redmi 9 Prime में 13.0.3.0 में 170 MB में 13.0.1.0 से एक न्यू अपडेट रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है, जो कि एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ देखने के लिए मिल जाती है। और ये अपडेट यहाँ पे बहुत ही जल्दी रिलीज़ हो चुका है, 13.0.1.0 सस्पेंडेड हो चुका था ड्यू टू बग्स एंड इश्यूज, अब मगर यहाँ पे न्यू वर्जन इन्होंने इतनी जल्दी रिलीज़ यहाँ पे कर दिया, ये एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ देखने के लिए मिल जाती है। और यहाँ पे रेडमी नोट 9 में अभी तक पहला अपडेट भी रिलीज़ नहीं किया गया है, मगर Redmi Note 9 के लिए 13.0.5.0 इंडिया स्टेबल अपडेट कभी भी रिलीज़ किया जा सकता है। तो आप अपना अपडेटर सेक्शन चेक करते रहना, MI पायलट यूज़र्स को सबसे पहले अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये अपडेट अभी के लिए MI पायलट के ही लिए ही रिलीज़ किया गया है, पब्लिक में आपको कम से कम एक हफ्ते का वेट करना पड़ेगा, एक हफ्ते के अंदर अंदर इस अपडेट को पब्लिक में रिलीज़ कर दिया जाएगा, अगर यहाँ पे इसमें कोई अपडेट्स में बग्स एंड इश्यूज़ देखने के लिए नहीं मिलते तो। अब इसके बाद अगला सवाल, Redmi Note 9 में MIUI 13 का अपडेट कब तक आएगा इंडिया। तो यहाँ पे बता दूँ, Redmi Note 9 में MIUI 13.0.5.0 इंडिया स्टेबल अपडेट यहाँ पे बहुत ही जल्द रिलीज़ किया जाने वाला है। इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। MIUI 13 अपडेट्स Android 12 पर बेस्ड, Redmi 9 Prime, Note 9, 90 एंड 9 पावर। तो इस वाली वीडियो को चेकआउट कर लेना, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगी कि यहाँ पे ये अपडेट्स कब तक रिलीज़ होंगे। Redmi 9 Prime में आ चुका है, अब Redmi Note 9 में आने वाला है, उसके बाद Redmi 9 Power में 13.0.1.0 इंडिया स्टेबल अपडेट भी रिलीज़ हो जाएगा। तो आपको सिंपली अब कुछ टाइम ही वेट करना है, Redmi Note 9 के यूज़र हैं तो इस डिवाइस के लिए अब MIUI 13 का अपडेट बहुत ही जल्द रिलीज़ किया जाने वाला है। इसके बाद अगला सवाल, Mi 11X इंडिया में कब तक मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे Realme K40 में MIUI 14 का अपडेट Android 13 पर इन चाइना स्टेबल अपडेट 14.0.2.0 रेडी हो चुका है, Android 13 पर बेस्ड एंड MIUI 14 पर बेस्ड। अब इसको यहाँ पे जनवरी के फर्स्ट वीक तक रिलीज़ किया जा सकता है, तो आपको सिंपली थोड़ा सा वेट करना है अगर आप यहाँ पे Mi 11X के यूज़र हैं। और यहाँ पे Mi 11X यानी कि Redmi K40 चाइना में एक न्यू अपडेट कल ही रिलीज़ किया गया है, वो भी चाइना बेटा में 14.0.22.12.19.DEV का अपडेट, और इसका OTA अपडेट साइज़ 227 MB का देखने के लिए मिल जाता है, और इसमें हमें बेसिक एक्सपीरियंस में इम्प्रूव सिस्टम आर्किटेक्चर कंप्रेहेंसिवली बूस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ बोथ प्री इंस्टॉल्ड एंड थर्ड पार्टी एप्स वाइल सेविंग पावर, तो ये वाला देखने के लिए मिल जाता है। तो ये अपडेट चाइना बेटा अपडेट है,
14.0.22.12.19 का 227 MB में ये चेंजेस देखने के लिए मिल जाते हैं। अब यहाँ पे स्टेबल में 14.0.2.0 TKHCNXM एंड्रॉयड 13 पर बेस्ड चाइना स्टेबल अपडेट बहुत ही जल्द रिलीज़ किया जाएगा, जब भी रिलीज़ किया जाएगा। इसके रिगार्डिंग आपको सबसे पहले वीडियो मेरे चैनल पे ही देखने के लिए मिल जाएगी, तो सब्सक्राइब अभी से करके रखना और ज्वाइन भी कर लेना मेरा टेलीग्राम चैनल। तो अब बात कर लेते हैं इसके बाद अगले सवाल की। तो यहाँ पे अब अगला सवाल पूछा गया है, रेडमी 9 पावर में कब तक आएगा? तो आपको बता दूं, रेडमी 9 पावर के लिए MIUI 13 का अपडेट रेडी हो चुका है, इसको बहुत ही जल्द रिलीज़ भी कर दिया जाने वाला है। रेडमी 9 पावर के लिए 13.0.1.0 इंडिया स्टेबल अपडेट रेडी हो चुका है, इसको जब भी रिलीज़ किया जाएगा। इसके रिगार्डिंग आपको सबसे पहले वीडियो मेरे चैनल पे ही देखने के लिए मिलेगी और इसके रिगार्डिंग मैं पूरा आर्टिकल भी अपनी वेबसाइट पे पोस्ट कर चुका हूँ, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। आर्टिकल का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 13.0.1.0 इंडिया स्टेबल अपडेट SJQINXM रेडी हो चुका है, इसको जब भी रिलीज़ किया जाएगा। इसके रिगार्डिंग सबसे पहले पोस्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखने के लिए मिलेगी, उसके बाद आपको सबसे पहले मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, उसके बाद मैं इसके रिगार्डिंग पूरी वीडियो भी अपलोड कर दूँगा। तो इसके बाद अगला सवाल पूछा गया है, पोको M3 में कौन से वीक में आएगा? तो यहाँ पे पोको M3 के लिए आपको सबसे पहले रेडमी 9 पावर का वेट करना है। पोको M3 ग्लोबल में 13.0.2.0 एंड्रॉयड 12 पर ग्लोबल स्टेबल अपडेट बहुत ही जल्द रिलीज़ किया जाने वाला है। रेडमी 9 में MIUI 13 का फुली रिलीज़ हो चुका है, तो अब पोको M3 ग्लोबल के लिए भी MIUI 13.0.2.0 पे ग्लोबल स्टेबल अपडेट इसी महीने में रिलीज़ किया जाएगा। अब यहाँ पे केवल 6 ही दिन बचे हैं, तो जब भी रिलीज़ किया जाएगा इसके रिगार्डिंग सबसे पहले वीडियो आपको मेरे चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो सिंपली अगर आप पोको M3 के यूज़र हैं तो अभी कमेंट कीजिए, और अगर आप यहाँ पे रेडमी 9 पावर के यूज़र हैं तो अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब बात करते हैं अगले सवाल की। तो अगला सवाल पूछा गया है, रेडमी 9 में कब आएगा MIUI 13 का अपडेट? तो अभी रेडमी 9 में 12.5 का इंडिया स्टेबल अपडेट यहाँ पर चल रहा है, 12.5.9.0 का सितंबर सिक्योरिटी पैच के साथ इस अपडेट को यहाँ पे रिलीज़ कर दिया गया था। और इसी के साथ मैं आपको बता दूँ, अपडेट का साइज़ 159 MB का पिछले वाले वर्जन 12.5.7.0 से देखने के लिए मिल गया था। तो अब यहाँ पे MIUI 13 की अभी कोई ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन निकल के सामने नहीं आई है, जब भी निकल के आएगी इसके रिगार्डिंग आपको सबसे पहले वीडियो मेरे चैनल पर ही देखने के लिए मिल जाएगी। तो इसके बाद अगले सवाल की बात करें, तो अगला सवाल यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये यहाँ पे आखिरी सवाल था रेडमी 9 पे, यहाँ पे पोको M3, रेडमी 9 पावर, Mi 11X, रेडमी नोट 9, रेडमी 9 प्राइम, मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी है कि आपको यहाँ पे ये सारे अपडेट्स इन दिनों में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये वाले अपडेट्स यहाँ पे जब भी रिलीज़ किए जाएंगे इसके रिगार्डिंग आपको सबसे पहले वीडियो मेरे चैनल पे देखने के लिए मिलेगी, तो ज्वाइन अभी से कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही।